नमस्कार, आप देर इंडिया टाइम न्यूज, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत। बिरकी न्यूज जिला बस्ती, बस्ती जिला में सपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया। आज बस्ती के शास्त्री चौक पर सपा कार्यकर्ताओं ने मौजूदा सरकार के तानाशाही की वजह से मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। हार के डर से बौखलाए भाजपा ने कराई गिरफ्तारी। राजकपूर यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पर सपा कार्यकर्ताओं में दिखा भारी रोष। लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर अखिलेश यादव को रोके जाने की कड़ी निंदा करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। सपा जिला अध्यक्ष राजकपूर यादव ने कहा कि तानाशाही बिल्कुल चलने नहीं दी जाएगी। सपा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार की हम निंदा करते हैं। वहीं पूर्व सपा जिला अध्यक्ष कृष्णचंद सिंह ने कहा कि गठबंधन से हताश होकर योगी सरकार निहात की निंदनीय तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सपा बस्ती सदर विधान प्रत्याशी रहे महेंद्रनाथ यादव ने मौजूदा सरकार के इस रवैया की कड़ी निंदा की। मौजूद रहे सवार जिला अध्यक्ष राजकपूर यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण सिंह, बस्ती सदर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी महेंद्रनाथ यादव, समीर चौधरी, घनश्याम यादव, फूलचंद, जितेंद्र यादव, आमन प्रताप सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट भानु मिश्रा स्टेट के साथ, जितेंद्र कुमार, बस्ती। रोका नहीं गया, ये सपा और बसपा के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। वो अनेक हथकंडे लगा करके आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जो इलाहाबाद जाने से रोका गया, उसी के विरोध में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर उनको रोका गया, अगर कहीं उनको साजिश के तहत अगर कहीं जेल भेजने का काम करते, तो हम लोग इस सड़कों पर खून बहाने का काम करते। हमारे नेता को अब कोई रोक नहीं पाएगा। वो आने वाले दिनों के भविष्य में, भारत के भविष्य में माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी को रोका गया। आज उनको छात्रों के बीच में होना चाहिए था और ये कार्यक्रम बहुत पहले लगा था। मुख्यमंत्री स्वयं रोज प्रयागराज जा रहे हैं, कोई पर्व नहीं छोड़ रहे हैं। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मतलब जो है ये तो 10 दिन पहले गए हुए थे। उनको छात्रों के कार्यक्रम में भाग लेना था और महंत नरेंद्र गिरी वगैरह से कुछ साधु संतों से भी मिलने का कार्यक्रम था। घबराहट में सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है उससे सरकार बौखला गई है कि आने वाला दिन इनका बुरा होने वाला है, इनकी कुर्सी जाने वाली है। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन का झंडा लहराने वाला है। धन्यवाद। तानाशाही रवैया है और ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन से इतना भयभीत हो गए हैं कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इलाहाबाद बस्ती में छात्र संघ उद्घाटन के लिए जा रहे थे और छात्रों के कार्यक्रम में जाने के लिए जाने से जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सत्ता के बल पर रोकने का काम भाजपा सरकार ने और योगी सरकार ने किया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले दिनों में यह आंदोलन और उग्र होगा।